हेलो स्टूडेंट बेटा, आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 15 आत्मविश्वास कहानी रीड करेंगे। ओके। इससे कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने श्री राम से अपने भाई बाली के संबंध में उपर्युक्त बातें कही थी और ये बातें इतनी पक्की थी कि श्री राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने बाली को पेड़ की आड़ से ही निशाना बनाया। दूसरे की यानी सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम उस पिटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से या आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस ये मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति बांट देती है, बस वह आधा इधर और आधा उधर, इस तरह वह खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते पत्नी सो गई और वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा सामने से उन्हीं की तरफ खूंखार जानवर भेड़िया चला रहा है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनसे घबराते हुए बोले, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहां है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा तो कांपते हुए वे बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा, भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई या? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वास हीन कर दिया। श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, पार्थ परेशान मत हो, युद्ध करो, तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। बेटा, मैं इसका सारांश बता रही हूँ आपको। मानव जीवन की सफलता आत्मविश्वास पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी में उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन का प्रत्येक युद्ध आत्मविश्वास के बल पर ही जीता गया है। नातिक हो यह वरदान प्राप्त था कि वह सामने वाले की आधी शक्ति स्वयं में खींच लेता था। यही कारण था कि श्री राम ने पेड़ की आड़ से उसे निशाना बनाया। दैनिक जीवन में भी जब कोई विरोधी सामने आता है तो हम आत्मविश्वास के हवा में उसे अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं और यही विचार हमारी शक्ति को आधा कर देता है। हमारे भीतर आत्मविश्वास हो तो हम अपने विरोधी की आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु दुविधा है। पाठ में प्रस्तुत एक घटना में आत्मविश्वास की कमी से एक पति अपनी सोती हुई पत्नी को अकेला छोड़कर भाग खड़ा हुआ और जिसे वह भेड़िया समझकर भागा था। मूल्य है आत्मविश्वास, आत्मशक्ति की पहचान तथा सत्संगति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखोड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ
परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने सुभाष बाबू को एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़ कर उसमें से निकालते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे, अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर। बेटा, अब हम करेंगे इसके अति लघु प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? इसका उत्तर है, बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो बाली के सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी। प्रश्न नंबर 2 है, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसका उत्तर है, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन दुविधा है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। प्रश्न नंबर 3 है, सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त क्या है? इसका उत्तर है, सफलता को निश्चित करने की आवश्यक शर्त यह है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास हो। यह बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परीक्षा लेने के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षक ने उन्हें क्या क्या कार्य करने को दिए? इसका उत्तर है, नेताजी की परीक्षा लेने के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षक ने 2 कार्य करने के लिए दिए। पहला काम घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियां गिनने तथा दूसरा काम अंगूठी के अंदर से स्वयं को यानी नेताजी सुभाष चंद्र को निकालने को कहा। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने हमारे भीतर के भय, शंका और अधैर्य को डायनामाइट क्यों कहा है? इसका उत्तर है, हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य डायनामाइट है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे प्रति दूसरों का विश्वास खंडित हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, युद्ध में विजयी होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, युद्ध में विजयी होने के लिए निम्न गुणों की आवश्यकता पड़ती है, आत्मविश्वास, एकाग्रता, लगन, उत्साह और संयम। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, लेखक ने अपने मित्र से जुड़ा आत्मविश्वास का कौन सा हिस्सा बताया है? लेखक के एक मित्र पेड़ के नीचे बैठे अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। कुछ समय बाद पत्नी सो गई और मित्र उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने सामने से आते हुए एक भेड़िए को देखा और पत्नी को सोता छोड़कर भाग खड़े हुए और एक बंदूकधारी सज्जन से भेड़िए से मुलाकात हुई। प्रश्न नंबर 5 है, लेखिका हेलन केलर के क्या विचार थे? इसका उत्तर है, हेलन केलर के विचार थे कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। प्रश्न नंबर 6 है, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया, हिदर जिसने लगाई एड वो खदक के पार था, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, दी गई पंक्तियों से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि सास के साथ परिश्रम करने वाला ही बड़ी से बड़ी खाई जैसी मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ पाता है। जो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है तथा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई श्रम नहीं करता, वह उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ता।